जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार ज्ञान डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है CGWB की तरफ से, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। आगे इस वीडियो में आप सभी के लिए इस भर्ती की पूरी डिटेल शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। ऑफलाइन आप सभी लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल ट्रेड टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन पाकर CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखेगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आप लोग बिना किसी डाउट के अप्लाई करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट जॉब पा सकें। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस न करें। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको CGWB यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों के बाद नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास है तो आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। आपको अप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भर के डाउनलोड करके सेंड करना होगा। कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करेंगे, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 32 साल की होनी चाहिए तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपका जो अप्लीकेशन शुल्क है बिल्कुल फ्री होने वाला है, यानी कि आप लोग निःशुल्क ही आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अगर आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि यहां पे मेनली जल विभाग की तरफ से रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और यहाँ पर रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नीचे आने पर कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट है इसी के अंदर में आई हुई है। यहाँ पर आपको बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट SCD की पोस्ट है, ग्रुप सी की वैकेंसी यहां पे। और अगर हम डिटेल की बात करें तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी मिल जाएंगी जनरल EWS OBC SC कैंडिडेट के लिए, और ग्रुप सी की वैकेंसी मिलेंगी जहां पे वेतन आपको 19,900 रुपए का मंथली में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला गया सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन यहाँ पे आपकी वैकेंसी हैं। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पे 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशन के अंदर फर्स्ट नंबर पॉइंट मेंशन किया गया है मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपका 10th पास यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड नंबर, यानी कि यहाँ पे आपके पास काबिलियत होनी चाहिए लिखने और पढ़ने की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट का टाइप की बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा आपके प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल बताया गया है। प्लेस ऑफ वर्क यानी कि एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी आपको पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। इसके बाद देखिए पोस्ट इज टेम्परेली बट लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे देखिए पोस्ट अभी आपका जो यहाँ पे टेम्परेली है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू आपका हो सकता है आपके काम के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए, और जब से भी आवेदन स्टार्ट होंगे यहाँ पे डेट दी गई है कहाँ पे आप लोग भर के सेंड करेंगे। यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एपिक सेशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपनी लगानी है। फॉर्मेट ऑफ अप्लीकेशन SCD की वैकेंसी है, पोस्ट नेम पहले यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद फुल नेम है जो कि आपको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है।
फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, अपना जेंडर यहाँ पे डालेंगे, कैटेगरी फिल करेंगे और इसके बाद नेशनलिटी है इंडियन डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे और करेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि अभी का प्रेजेंट का एड्रेस आपको फिल करना है। एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्शन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि वेदर रेडी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि क्या आप भारत में कहीं भी जॉब करने के लिए रेडी हैं, तो यस और नो बताना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं आपको देना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है और प्रूफ ऑफ डेट बर्थ यानी टेंथ की मार्कशीट लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग एससी एसटी हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड और एनी अदर डिटेल अगर आपको प्रोवाइड करानी है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और प्लेस और डेट के साथ आपको इस फॉर्म को भर के सेंड करना होगा। काफ़ी ईजी है फॉर्म फिलअप करना, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है तो इसको अप्लाई करने वाले काफ़ी कम हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलती है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है, इसलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आखिरी तक देखें और बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको आगे इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CGWB यानी कि यहाँ पे केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की तरफ से आ चुकी भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताएं तो जल विभाग की तरफ से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाला है क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ पे जल विभाग से ही लिंक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी 10th पास की रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है यानी कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मेल एंड फीमेल। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम की बात करें तो आपको SCD की वैकेंसी मिल रही है, इट मीन्स कि स्टाफ कार ड्राइवर की। इसके अलावा यहाँ पे 22 अगस्त 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और मैक्स टू मैक्स 32 यानी कि 32 साल की होनी चाहिए। आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से करना होगा और इसके लिए फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निःशुल्क ही आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग ज़रूर से अप्लाई करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे फुल डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ में आगे जा करके वीडियो को पूरी आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं rozgargyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप लोग देख सकते हैं CGWB रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए, अप्लाई ऑफलाइन 26 ड्राइवर पोस्ट वैकेंसीज के लिए आपको आवेदन करना होगा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट के अंदर चैनल मिल जाएगा, आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां से स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, आपको यहां पे डिपार्टमेंट मिलेगा CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड। इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर की वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे आपको 26 यानी कि 26 वैकेंसी मिलेंगी। इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आप सभी को आवेदन करना होगा, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास रखा गया है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएँ तो आपके एज की बात करें तो कम से कम 18 और मैक्स टू मैक्स 27 यानी कि 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन है जो कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के बेस पे आपका चयन होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे आपका पे स्लिप क्या रहेगा तो आपको जो वेतन दिया जाएगा वो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में होने वाला है। अप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे आपको फिल करना होगा। सबसे मेन यहाँ पे आते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑफलाइन का लिंक मिलेगा, आपको सिंपली नोटिफिकेशन के साथ में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड करके रखना है। यहाँ पे जब डाउनलोड की लिंक आपको मिल जाए तो डाउनलोड की लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड की बटन आएगी, डाउनलोड की बटन पे क्लिक करेंगे और कीप फाइल की बटन पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। सेम इसी तरह से फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर सेंटर से निकलवा सकते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है
तो यहाँ पे आपको आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल की वैकेंसी मिल जाएंगी, PSPCL यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी मिल जाएंगी, पंजाब नेशनल बैंक और रेलवे TC की वैकेंसी मिल जाएंगी। आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए rozgargyan.com की वेबसाइट पर विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।